चले भाई, चले चले चले, जल्दी जल्दी करें भाई, टाइम थोड़ा रह गया है। काट दो। ये ले जी, बाल जैंड खुल रहा है जी, बूट उतार दिया इसका, ये भी निकलने लगा है अब। लाए जी काला जी, ये भी ला के चेक करें। ये जी सुजुकी एवरी के चिमटे हैं जी, बाल जैंड इसका निकलने लगा है, वो भी हाइड्रोलिक मशीन से जैसे आपको बताया। इसके अलावा बेकार है काम करवाना या करना। ये बुश होता है जी प्लास्टिक का, ये अब ये नया डलेगा, ये नया डलता हुआ अभी आपको दिखाते हैं इसको रिपेयर कैसे करते हैं। ये कहिए कि एंड की जो सी गोली को पॉलिश हो रही है ताकि कोई भी दंगाल वगैरह थोड़ा बहुत ऊपर लगा हुआ है ताकि वो उतर जाए। ये ज़्यादा मुयसर होता है जब पानी में गाड़ी ज़्यादा चली हो या बूट फट गया हो, उसकी वजह से फिर पानी जो है ना वो वर्किंग करके ग्रीस ख़त्म करके और इसको खुश कर देते हैं। लेकिन अभी इसमें ग्रीसें हैं ऐसी जबकि ये बचा हुआ था अभी, नहीं तो ये नए डलते होते। देखिए ये अब पॉलिश हो चुका हुआ है, चलें जी उतार। लेकिन ये वाला होता है बुशेस का, ये डाल के दिखाएं जी। अब ये इसका डलेगा इधर, ये डल गया। चलिए अभी इसकी सेटिंग होगी जैसे भी उसके अंदर एडजस्ट होता है। लाएं जी करें भैया, ये सांड के ऊपर इसको रगड़ के किया। पे बाल जैंड पे जो सा बुश बनाया है इसका नया डलने पे, ये ब्लैक कलर की अच्छी वाली हीट सिंक, हीट प्रूफ होती है ये ग्रीस हुई, ये लगा कर ये अब इस पर एडजस्ट किया जाएगा। फिर बार बार डाल के चेक किया जाएगा कहाँ पर ढीला है कहाँ पर टाइट है, और इसके ऊपर इसकी कैप बाद में लगाई जाएगी। यहाँ पे चेक करते हैं कितना लूज है कितना टाइट है, ऊपर कैप ये टोकट कैया हो रहा है जी। अब इसका जो सा पीछे कैप लगाया था बिल्कुल इसके चारों तरफ से सील बंद कर दी गई है। अब इसको अब इसकी चेक करेंगे लूज और टाइट कितना है, ये जी बाल जैंड चिमटे का हो चुका है। ये कंघी खोली हुई है जी, इसमें से बर्म वगैरह सभी चीज़ें निकाल दी हुई, जैसे कि गोलियां वगैरह कंघी के बूट हैं, सभी चीज़ें चेक करके फिर लगाई जाएंगी। इनमें भी देखेंगे प्ले वगैरह कितनी है या नहीं है, बूट शूट भी अगर डलने वाले हुए तो बूट शूट भी डलेंगे, ग्रीस भी हो जाएगी। और ये कंघी के इधर पूछ लगा हुआ है, इसको भी चेक करेंगे ये लूज है कि टाइट है, वो थड़का लड़का जो है ना ये कंघी का वो ख़त्म हो जाएगा फिर इंशाल्लाह। तो अभी ये बारिश हो रही है, ये काला हैदर साहब है जी इधर, अभी इसी गाड़ी की जी 3 साल के बाद ये कंघी ओपन हुई है। आपको मालूम है फैसलाबाद के रोड काफ़ी जगह पे बंद रहे थे, समुद्री रोड हो गया, जंग रोड हो गया, जहाँ जहाँ भी गाड़ी जाती रही है सड़कें काफ़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से ये काम अभी करवाना पड़ गया। जबकि वो रोड अब काफ़ी 50% या 75% अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस रोड ठीक हो चुके हुए हैं अल्लाह खैर के, ताकि फिर इसकी जो सी लाइफ जो सी ना वो ज़्यादा हो जाएगी। ये होता है जी बुश जो, अब इसको देखेंगे
अगर ये लूज हो चुका हुआ है तो फिर ये दोबारा बनाकर नया डाल। ये आ गया जी नया बुश, ये इसका होता है बरम, जहाँ पे जब आप स्टेरिंग मोड़ते वगैरह कट करते हैं तो ये उसका बरम होता है। ठीक है, ये है बुश जी, आप ये डलेगा लोज का लेज पकड़े हैदर साहब। ये देखिए ये केले वाला निकल आया हुआ है, हैदर भाई ये वाला प्लास्टिक जो है ना अच्छा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ प्लास्टिक इसकी क्वालिटी अच्छी है। ये देखें जी आप वर्किंग बरम की वर्किंग करवाई जा रही है। ये बुश डाला है जी कंगी का, ये बरम डाल के दिखाएं। ये देखें अब टायर्ड है, अब इसको इसके साइज का बनाने लगे ताकि ये कवर हो जाए, ये इसमें टायर्ड है अभी। बाकी कंगी का काम इधर अब खराद पे लगा के ना इसका साइज लूज करेंगे। ये इस पर एक तरह का रेग मल का बरम लगा दिया गया हुआ है। ये अब इसका रेगमल का काम करेगा जी, इसके ब्लेड ब्लेड बने हुए हैं ना, ये देखो ये अब उसके साइज का बुश हो रहा है। ये देखो ये आप इसके देख रहे हैं, ये बार बार डाल के इसमें चेक करेंगे, जहाँ पर सूटेबल हुआ वहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे। अब इसकी सेटिंग करें कि ब्लेड थोड़े से और खोले जाए साथ। ठीक है जी, और करने की ज़रूरत नहीं है, अभी ठीक है, बाकी ग्रीस लग के रवा आ जाएगा। लेकिन ये माशाल्लाह एक दो मरतबा ही करने से इसका साइज कम्प्लीट हो चुका हुआ है, और ठीक है उतने रहने दें। ये देखिए इसकी जो से बोर वगैरह थी ना प्लास्टिक की, जहाँ से बर्म से उतर चुकी हुई है, ये देखिए अब इसका कम्प्लीट अंदर से सफाई वगैरह करके ग्रीस करके फिर इसका बर्म अंदर डाल दिया जाएगा। चले जी थोड़ी सी इसको लगा के ताकि बुश अपनी जगह पे इधर टिका रहे, आगे पीछे ना हो बुश जोन। ये हो गई है जी इसकी बाहर की, ये बाहर की हमने पकड़ करवा दी हुई है, अंदर की ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से ये ऊपर नीचे है, यानी कि यहाँ से साइड खुला है यहाँ से तंग है, ताकि ये बुश जोन सा यहीं पर रहेगा फिर और बाहर ना निकले, तो ये इसलिए इसके जोन से ना बाहर से चोटे लगा के इसको कवर किया जा रहा है ताकि बुश बाहर ना आ सके। ये लगाई जा रही है अब इसको ग्रीस। अरे ये तो अंदर से हो गया, बाहर से भी लगा देंगे ग्रीस ताकि अंदर को भी वर्किंग वो कर सके मुकम्मल। ये देखिए बरम बैठ गया अपनी जगह, यहाँ पर भी बैरंग पे भी ग्रीस भर दी गई ताकि बैरंग भी अपना वर्किंग कर सके मुकम्मल। ये अब इसका ऊपर से चैगनेट लगा का बरम का गुटका जो था ये डाल दिया गया हुआ ग्रीस करके, ये अब इसके बाद घुमाकर हर चीज़ देखी जाएगी, एडजस्टमेंट इसकी राड की जाएगी अब राइट लेफ्ट, ये इसकी पैकिंग हो रही। चले भाई चले 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 जल्दी जल्दी करें भाई, टाइम थोड़ा रह गया है। ये ऊपर से इसको टाइट करके फिर नीचे वाला का ये अलग से चैगनट होता है, ये चैगनट हो जाएगा यहाँ से भी। यहाँ पर अब इसकी सेटिंग की जा रही है खराद मशीन पर लगा के, ये देखिए ये चैगनट टाइट किया जा रहा है। गाड़ी में कितने छोटे छोटे से अहम से काम होते हैं जी,
बस चलाने वाला आराम से गाड़ी पे बैठता है और गाड़ी को रेस देनी शुरू कर देता है बस, और उसके दिनों को मान में भी नहीं होता मैं कौन सी मशीनरी कैसे कैसे वर्क करके और चल रही है और मैं चला रहा हूँ। हैं जी, कितनी चीज़ें गाड़ी में होती हैं। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके कि फिटिंग फिर एंडियो वगैरह की होनी शुरू हो जाएगी। इसकी भी एडजस्टमेंट कर लेंगे बाद में। ये देखिए, ये जी इसको चेकनेट कर लिया, और ये देखिए राड आगे पीछे हो रहा है। मैं हाथ से ऊपर नीचे कर रहा हूँ, अब इसके एडजस्टमेंट करेंगे। इन्होंने खराद को जो है वो चेकनेट कर दिया हुआ है ताकि वो हिल ना सके पीछे से, उसका लॉक लगा दिया हुआ है। ये अब बर्म की सेटिंग कर रहे हैं, प्ले वगैरह कुछ चीज़ तो नहीं है, तो ग्रीस अपनी अपनी जगह पे टोटली वर्क कर रहे हैं। ओके जी, ये प्ले नहीं है, ये देखिए जगह बिल्कुल प्ले ख़त्म हो चुकी है। अगर इस इन चीज़ों में प्ले आए तो फिर आपको जो सा है ना रोड पर पत्थरों से गुजरने, दब खड़बे रोड से गुजरने पे जो टुक 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 कड़कड़ आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, वो इस पे फिर प्ले आ जाती हैं गाड़ी ज़्यादा टोयटे बो पे चलने की वजह से। जी कुछ काम देसी तरीके से करने पड़ते हैं। लोग थोड़े से काम के लिए बहुत से घबरा जाते हैं, अभी गाड़ी में को क्या हो गया, कौन सा काम कैसे करवाना पड़ेगा। बेफिक्र होके गाड़ी का काम करवाया करें, कोई मसला नहीं है। ये भी चीज़ें शौक से होती हैं। ये बाकी मटेरियल जो है इसका वाश हो रहा है जी, ये कंगी का गर्म शर्म एनडीए वगैरह जो थी वो फिटिंग करती गई है। यहाँ पे जो मुकम्मल हो गई है, अब इसके बाद इसके ग्रीस वगैरह लगा कर बोर्ड जो से वो डाले जाए जिन पर इधर बूट आए जहाँ तक है। अब ये मुकम्मल करके फिर आपको दिखाते हैं। ले जी जनाब, आज का व्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। जैसा कि आपने ये कंघी वगैरह का रिपेयरिंग का काम देखा और बाल जैंड का देखा, अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपको इसकी फिटिंग वगैरह और जो भी नीचे सस्पेंशन का मज़ीद जो सा काम होगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएँगे। और अब आपको अल्लाह खैर करे आपको गाड़ियों की इंफॉर्मेटिव जो है व्लॉग्स वो तैयार हुआ करेंगी इंशाल्लाह ताला। मैं गाड़ियों की बहुत सी इंफॉर्मेशन रखता हूँ, नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूँगा जहाँ तक मेरे से हो सका। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। अपना और अपना गिरजनुमा का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।